कैडेट कॉलेज फाना एक तालीमी इदारा है जो कि जनूबी वजीरिस्तान के अहम तरीन इलाके वाना में वाके है। तारीखी तौर पर वाना की अपनी एक अहमियत है जो कि डेरा इस्माइल खान से 140 किलोमीटर की दूरी पर वाके है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दौर में कैडेट कॉलेज वाना बनाने का इरादा जाहिर किया गया, जिसे 5 नवम्बर 2010 में पार्लियामेंट हाउस में मुतफिका तौर पर पेश किया गया और फिर 23 जून 2011 में उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी ने इस कॉलेज का बकायदा इफ्तिताह किया। कई अरसों से यह खित्ता दहशतगर्दी की वजह से मुतासिर हुआ, यही वजह है कि यहाँ के बच्चे बुनियादी इंसानी जरूरियात और इब्तदाई तालीम से महरूम रहे। कैडेट कॉलेज वाना भी इल्म की शमा को जलाने के लिए एक कदम था कि आस पास रहने वाले लोग इल्म हासिल करे और सबसे बढ़कर इस मुल्क पाकिस्तान के बाकी शहरों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के साथ मिलकर तालीम को आगे बढ़ाएं ताकि पाकिस्तानियत के दायरे में आ जाएं। जी, मेरा ये टॉपिक था सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज ट्रू हैप्पीनेस। यही टॉपिक मैंने ऑल पाकिस्तान बायलिंगुअल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में परफॉर्म इस टॉपिक मैंने अपने व्यूज पेश किए थे। ये टॉपिक कुछ इस तरह है। देयर इज अ चाइनीज सेइंग दैट गोज, इफ यू वांट हैप्पीनेस फॉर एन आवर टेक अ नैप, इफ यू वांट हैप्पीनेस फॉर अ डे गो फिशिंग, if you want happiness for a year inherit a fortune, and if you want happiness for a lifetime help somebody. History will never forget those who perished themselves in helping others, giving them hope, giving them courage, giving them life. Abdul Sattar Eidi's religion was humanity, which is the base of all religions in the world. Abdul Sattar Eidi, yes, my hero, was a man of an old age, a man of austerity, a man of frail structure, a man with no formal education, was a man whose philosophy of life is a beacon of hope for the suffering souls of humanity. History will never forget him. गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज फाना को शुरू में आर्जी तौर पर कैडेट कॉलेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया, चूँकि उस वक्त कैडेट कॉलेज फाना की तामीर इब्तदाई मराहिल में थी। यहाँ कॉलेज में बकायदा क्लासेस का आगाज 4 अप्रैल 2011 में 50 के करीब 9वीं जमात के तलबा से हुआ। वक्त के साथ साथ यही तादाद बढ़ती रही और अब कॉलेज 8वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक 424 तलबा की तालीम का इंतजाम मुहैया कर रहा है, जबकि कॉलेज में मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात इस्लामाबाद के फेडरल बोर्ड के मुताहिद होते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर इनामुल्ला खान और मैं एज ए फाउंडर वाइस प्रिंसिपल 2011 अप्रैल से काम कर रहा हूँ। इनिशियली हमने काम शुरू किया था मार्च 2011 में प्रॉपर कैडेट कॉलेज वाना का, और इसके बाद फिर अप्रैल से हमने 4 अप्रैल 2011 से बाकायदा क्लासेस का इजरा शुरू किया। इनिशियल हमने 50 बच्चे 9 क्लास में सेलेक्ट किए और 50 लड़के क्लास 11 में, और आहिस्ता आहिस्ता कैडेट कॉलेज वाना फ्लारिश करता गया और तादाद बढ़ती गई, और आज इस वक्त हमारे पास क्लास 8 से क्लास 12 तक 424 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। जो हमारे पास आते हैं वो ट्रामेटाइज्ड होते हैं, अगर आप अचानक दरवाज़ा भी खोल देते हैं तो वो बच्चा छोंक जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हम जैसे आते हैं हम पहले एक महीने इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लगाते हैं, और वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं उसमें सिर्फ ये नहीं, ABC तो तमाम कॉलेज स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, हम उनसे हट कर इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर तवज्जो देते हैं कि उनके अंदर अगर कोई कमी खमी है वो हम निकाल दें एंड दे बिकम द नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इनको उस ट्रामा से निकाल के, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बड़े दावे से कहता हूँ कि कैडेट कॉलेज वाना इज सेकंड टू नन। कॉलेज में पढ़ने वाले हर तालिबे इल्म को तालीमी सहूलियत में हर किस्म की चीज़ मुयस्सर है, जिसमें हज़ारों किताबों के साथ लाइब्रेरी, जबकि बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब,
और कंप्यूटर लैब हर तरह की सहूलियत से लैस है। किसी भी तालीमी इदारे के लिए अहम हिस्सा वहाँ के पढ़ाने वाले असातिज़ा की काबिलियत होती है। इसीलिए कैडेट कॉलेज में मास्टर्स और MPhil की डिग्री रखने वाले इंतहाई तालीमी याफ्ता असातिज़ा हम वक्त तलबा की रहनुमाई के लिए मौजूद रहते हैं। क्लास टेस्ट और इम्तिहानात वक्तन फवक्तन होते हैं और माहाना तौर पर पढ़ाई की नौयत तलबा के वालदैन को अरसाल की जाती है ताकि वालदैन पुर एतमाद रहें। जैसा कि हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरी के वो होते हैं, कैडेट्स होते हैं, कुछ कैडेट्स बहुत ही मतलब कि दूर दराज इलाकों से होते हैं जिनकी एजुकेशन जो वहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी नहीं होती, तो वो जब हमारे पास आते हैं तो वो बहुत ही मतलब कि इवन दे डोंट नो अल्फ़ाबेट्स भी नहीं जानते वो, तो फिर हम डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज़ करते हैं, जिस तरह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, कम्युनिकेटिव मेथड है और मतलब के लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, तो वी ट्राई कि हम हर एक बच्चे को उसकी मेंटेलिटी के ज़रूरत के मुताबिक उनको पढ़ाएं। जब ये कॉलेज नहीं बना था तो इस इलाके में एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यानी बहुत ही एजुकेशन जो था उसकी स्टैंडर्ड नहीं थी, तो लोग में शऊर भी नहीं था एजुकेशन का कुछ ख़ास। जब ये जो इदारा बना तो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ और वो ये है कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कंपटीशन वो क्रिएट हो गया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और इसके जहाँ तक इसके इदारे के असरात का ताल्लुक है तो बहुत ही अच्छे असरात है इस इदारे के, इस इलाके के लोगों के ऊपर, लोगों की मैंटेलिटी चेंज हो गई टूवर्ड्स एजुकेशन, तो आई थिंक फ्यूचर में इट विल प्ले अ वेरी गुड रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पीपल। तलबा को बहुत सी तालीमी सरगर्मियाँ भी फराहम की जाती हैं, जैसा कि एस्ट्रोलॉजी, कैरम बोर्ड, चेस और स्नोकर। इसके अलावा कॉलेज मुख्तलिफ खेलों के इनाकाद में भी तलबा की शराकत को सराहता है, जिसमें फुटबॉल, जिमनास्टिक, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल शामिल हैं। कैडेट कॉलेज वाना का मरकजी मिशन जवान कैडेट्स को मियारी तालीम और तरबियत फराहम करना है ताकि वो इल्म, महारत, शख्सियत और किरदार को फरोग दे सके, उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान, सच्चा मुसलमान और एक मुहिब वतन शहरी बन सकें, ताकि वो अपनी जिंदगी की मुश्किल दुश्वारियों का सामना कर पाए। मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा।